नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, आपके लिए लाया हूं फिर से एक नया टॉपिक। आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, आग और पानी दुश्मन है जानी, यानी फायर और वाटर, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जब फायर के ऊपर वाटर डालते हैं, अग्नि के ऊपर पानी डलता है, तो ना तो आग बचती है ना पानी बचता है, ना तो अग्नि तत्व तो बचा ना जल तत्व तो बना बचा, वो दोनों के दोनों उड़ गए, वायु तत्व तो बन के स्टीम बन गई, भाप बन के ख़त्म, दोनों का अस्तित्व तो ख़त्म। लेकिन इन दोनों में जितनी दुश्मनी है उतना ही प्यार भी है। आप देखो, दिमाग लगाओ, जहाँ जहाँ पर आपको आग मिलेगी वहाँ पर पानी ज़रूर मिलेगा। किचन है तो किचन में भी पानी है, इधर आग है तो उधर पानी है। मशीन है, जो भी आपकी जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे कि आपके पास वॉशिंग मशीन होती है, वहाँ पर आग मोटर है, वहाँ पर दूसरा पानी डलता है उसमें। आप सबमर्सिबल पंप की बात करते हैं तो मोटर जो है आग है और नीचे है उसके पानी। अगर आप बॉयलर की बात करते हैं इंडस्ट्री में, तो पानी है और उसके साथ में है आग। पूजा स्थान में अगर आप बात करते हैं तो एक तरफ है जोत और एक तरफ है आपके पास जल का लोटा, गंगा जल। देखिए कितने बड़े दुश्मन, और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते एक मिनट भी। लेकिन अगर इसको बैलेंस कर लेंगे हम, तो ये जो है हमारे लिए प्रोडक्टिव बन जाएंगे, खास तरीके से किचन में। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। मज़ा आ जाएगा सुन के कि आग और पानी कैसे होने चाहिए किचन में, वहाँ पे आरओ सिस्टम कैसा हो, डिश वॉशर कहाँ हो, और आजकल मॉडर्न सिस्टम के अंदर वॉशिंग मशीन कहाँ रखी जाए, अगर किचन के अंदर आपने यूटिलिटी एरिया बना रखा है। जानना चाहते हैं तो चलते रहिए मेरे पास, आखिर तक आपको बताऊँगा मैं कि इन सब की सेटिंग किस प्रकार की जाए, क्या गलती ना की जाए और कैसा करना चाहिए इसको। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तु शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, आइए चलते हैं आज किचन में, देखते हैं वहां पर पानी कहाँ है और आग कहाँ पर है, फायर कहाँ पर, वाटर कहाँ पर। वास्तु के अनुसार आज आपको लेके चलूंगा किचन में और आपको बताऊंगा बैलेंसिंग कैसे होती है, क्योंकि बिना बैलेंस के कभी भी वास्तु में आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। और वास्तु में क्या है, कलाकारी क्या है हमारी, हम कोई जादू टोना नहीं करते, हम कोई मिरेकल नहीं करते, हम साधु संत महात्मा नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग कर देते हैं एलिमेंट्स की, जल, वायु, भूमि, अग्नि और आकाश, इन सब की बैलेंसिंग कर देते हैं, तब क्या होता है, हमें मिलता है उसका बेनिफिट। देखिए अब हम बात करेंगे आज किचन के बारे में, किचन में जो है पानी कहाँ पर। आज खास तरीके से पानी और आग के बारे में हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास में कहीं एक मकान, अपने भवन बना रखा है या बनाने वाले हैं, लाखों लोगों ने मेरे वीडियो देख कर पूरे पूरे मकान बनाए, मुझे फ़ोन करते सर परफेक्ट वास्तु से बनाया हुआ है, और फिर वास्तु वाले को उन्होंने बुलाया, वास्तु वाले ने बोला कि आपका गुरु कौन है, किससे आपने सीखा, और उन्होंने कहा डॉक्टर आनंद भारद्वाज से सीखा, पिछले कई साल से उनको हम फॉलो कर रहे हैं। जो मेरे चाहने वाले हैं वो मेरे इतने दीवाने हैं, इतने मतलब फॉलो करते हैं मुझे, कि मेरी जो मेरे मुंह से निकले शब्द होते हैं ये बिल्कुल एक तरह से ब्रह्म सत्य मानते हैं और अच्छा मानते हैं। और मैं भी अपने दिल से, सच्चाई से, दिल के गहराई से आपको सिखाता हूँ, कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। अब देखिए ये किचन है, अगर हमें बनानी है कहीं पर, नॉर्थ ईस्ट कार्डिनल डायरेक्शंस, साउथ वेस्ट, दक्षिण, उत्तर, पूरब और पश्चिम, हिंदी में भी बताता हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट करते हैं सर, कई बार इंग्लिश समझ में नहीं आती। बड़ी आसानी से अगर आपने किचन बनानी है तो कुछ इस तरह से किचन आपकी बनती है, बहुत आसान। कहाँ पे रखा हमने फायर को, रेड कलर से ले रहा हूँ मैं, अग्नि जो है हमने ले ली इस किचन में। ये जो किचन है ना, ये एक बड़े प्लॉट के अंदर है, ये बड़ा प्लॉट है कहीं पर, प्लॉट कहीं कैसी और तरह से, ये किचन जो है इसकी जो बनी हुई है, रसोई जो बना रखी है हमने, रसोई ये बनी हुई है इस भूखंड के या इस भवन के साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। और इसका जो है माइक्रो वास्तु, मैक्रो से माइक्रो चलते हैं वास्तु में। अब देखिए यहाँ पे किचन आ गई, तो यहाँ पे जो फायर रखी हमने, ये हमने पूर्व दिशा में रखी, सेम सिद्धांत
तब भी लागू होगा जब ये किचन आपकी नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में वायु कोण में पहुंचेगी, तब भी बिल्कुल यहाँ से कट करके वहाँ पर पेश करते हैं, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेश करते हैं, बिल्कुल ट्रू कॉपी इसकी वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में भी बनेगी। सिद्धांत अलग नहीं होते। अच्छा, ये बात हम कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु बदल जाया करता है, ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में वास्तु अलग होता है, अर्जेंटीना में अलग होता है, वास्तु काफ़ी बदल जाता है। मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे व्यूअर, जो मेरे दर्शक जो मुझे सदर्न हेमिस्फीयर से भी मुझे फॉलो करते हैं, वो ध्यान करें इस बात को कि ये जो हम बता रहे हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। अब जब यहाँ पर हमारी जो है फायर आ गई, पानी को जो है कभी भी एक स्लैब पर नहीं लेते, कभी भी एक स्लैब पर आग और पानी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखो ऊपर लिखा हुआ है आग और पानी कट्टर दुश्मन निभाएं, कैसे कैसे निभाएंगे ये आपस में, तब निभाएंगे जब पानी को हम ले लेंगे नॉर्थ में। वाटर यानी जो बर्तन धोने का हमारा सिंक था वो हमने जो है नॉर्थ में ले लिया। आजकल डबल सिंक भी आते हैं तो वो आपने नॉर्थ में लेना है। इस सेम स्लैब के ऊपर कहीं भी पानी का कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ तो कभी भी ना लें, भूल के भी ना लें, कभी भी ना लें। आजकल जो मॉडर्न वास्तु के हिसाब से जैसे मतलब लोग बनाते हैं, बहुत बार कहते हैं वास्तु जानते हैं, और आर्किटेक्ट कहते हैं मैं वास्तु जानता हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पर 50-60-70% में अच्छे आर्किटेक्ट भी हैं, वास्तु जानते भी हैं, करते भी हैं और अच्छे नक्शे बनाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है 90% जो आर्किटेक्ट हैं वो छोटी मोटी गलती को कुछ मानते ही नहीं है, यहाँ बनाते हैं। मैंने बहुत से घरों में देखा है, बहुत से नक्शे देखे हैं कि साउथ में जो है वो सिंक बना देते हैं, फायर यहाँ बना देते हैं, काम से छुटकारा, लेकिन यहाँ पे छूटते नहीं हैं हम। अब सिंक यहाँ पर आएगा, राइट, बहुत आसान, कुछ मुश्किल नहीं। अभी आपसे मैंने कहा था कि कुछ और चीज़ें भी होती हैं हमारे घर में जिसको हम यूज़ करते हैं किचन में, जैसे आपका जो आरओ सिस्टम होगा, जो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम होता है जिसमें कि पानी को फिल्टर किया जाता है, वो आता है नॉर्थ में, इस स्लैब पर नहीं आएगा। अगर आपने आजकल क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कोठियां बनती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, यूटिलिटी एरिया भी साथ में बनाया जाता है। यूटिलिटी एरिया किसको बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख ली जाती हैं, बहुत सारी इसमें सुविधाएं बनाई जाती हैं। अगर यूटिलिटी एरिया बना रहे हैं तो यूटिलिटी एरिया आपका जिसको बोलते हैं वो बनेगा इसके साथ लगते हुए। किचन की एंट्री यहाँ से हो जाएगी और इस तरह से इसमें जाने का रास्ता किचन से हो जाएगा यूटिलिटी में। इसमें क्या होगा, इसमें भी फिर वैसी वास्तु होगा, यहाँ पर जो है ये जगह जो बनती है यहाँ पर आपकी जो है आ सकता है डिश वॉशर। डिफरेंट कलर लेता हूँ जिससे आप इसको देखें, डिश वॉशर यानी आजकल जो है घरों के अंदर डिश वॉशर भी लगते हैं जिसमें कि गंदे बर्तन प्लेटें वगैरह उसमें साफ किए जाते हैं। डिश वॉशर यहाँ आएगा ईस्ट में, और ये जो सिंक हमने पहले बनाए थे वो जो सिंक है वो पहुंच जाएंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली नॉर्थ में, और इनका जो आरओ का सिस्टम होगा वो इस नॉर्थ वाली स्लैब के ऊपर जहाँ चाहें वहाँ बना सकते हैं। नॉर्थ की स्लैब के ऊपर यूटिलिटी एरिया में जाने के बाद यहाँ पे गंदे बर्तन भी धो सकते हैं, यहाँ पर डिश वॉशर भी रह सकता है, और यहाँ पर जो है आपका आरओ सिस्टम भी आ सकता है। अगर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो यहीं पर आपकी जो है, अगर आप चाहें, जैसे आजकल मॉडर्न किचन बनती हैं बहुत बार वेस्टर्न किचन बनती हैं, और वहाँ पर जो है वॉशिंग मशीन भी किचन में रख ली जाती है, तो वॉशिंग मशीन अगर आएगी वो भी यहाँ पर आएगी। अब देखिए डिश वॉशर यानी बर्तन धोने की जो मशीन है वो यहाँ पर आई, डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन भी आपकी यहीं आ गई, राइट। आरओ सिस्टम आपका यहाँ आ गया और बर्तन धोने के लिए जो सिंक थे वो भी आपके यहाँ पर आ गए, जिससे कि आपके ढलाई हो जाए किचन। काला पत्थर नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, नो ब्लैक स्टोन। ये सवाल मेरे पास बहुत बार आते हैं कि सर किचन के अंदर स्लैब के ऊपर हम कैसे कलर का पत्थर लगाएं। ध्यान कर लेना, ब्लैक को छोड़ दो, काला पत्थर छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी लगा लो। ग्रीन सबसे बढ़िया होता है, वाइट सबसे बढ़िया होता है, वाइट एंड ग्रीन, उसके बाद बेज होता है क्रीम कलर का जिसे कहते हैं इटालियन, वो पत्थर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आगे किचन की एक और बनाएंगे वीडियो जिसमें स्टोरेज के बारे में बात होगी, डस्टबिन के बारे में बात होगी, भारी सामान खाले का सामान है और तेल नमक मिर्च मसाले कहाँ रखें उसके ऊपर अलग से बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कहने को तो जो मेरे दर्शक हैं वो मुझे कहते हैं सर बनाइए आप, हम एक घंटे का वीडियो पूरा देखेंगे बिना रुके हुए, आप बनाइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
वीडियो अगर बहुत लंबा चला जाएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं पार्ट्स में भी ले सकता हूँ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताई पोजीशन सीधे प्लॉट की, लेकिन जैसे मैं पिछले कई बार से आपको बता रहा हूँ कि सीधे प्लॉट जो है आपको मिलते ही नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मिलेंगे, हमेशा आपको प्लॉट मिलेंगे घूमे हुए। तब उस केस में क्या करेंगे आप? अब देखिए, ये किचन है मेरे पास, मैं सिर्फ किचन बना रहा हूँ पूरे प्लॉट के अंदर, पूरा प्लॉट कहीं और है किसी और तरह से। अब इसमें क्या है, घुमा प्लॉट है, इसमें एक कोना नॉर्थ आ जाएगा, एक कोना ईस्ट आ जाएगा, उत्तर आ गया, पूरब आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया दक्षिण, और यहाँ पर इधर जो है ये जो कोना है हमारा, ये आ जाएगा वेस्ट, जिसे हम कहते हैं पश्चिम, ये पश्चिम, उत्तर ये देख लेना हिंदी में इसे, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे आप, ऐसे केस के अंदर आपने ध्यान करना है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी स्लैब है, ये और ये इधर मिल गई हमें, साथ में इधर भी मिलती है। इसमें जो हमारा गैस का चूल्हा है, जो गैस स्टोव है हमारा, जो फायर एलिमेंट है, वो हमारा साउथ ईस्ट में आएगा। यहाँ पे हमारा गैस आ गया, फायर एलिमेंट आ गया, और यहाँ पर जो है हमारे सिंक और वॉशिंग मशीन, आरओ सिस्टम, ये सब यहीं पर आएंगे। आरओ आ गया, वॉशिंग आ गया, यहाँ पर जो भी है आपका डिश वॉशर आ गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और यहाँ पे रखा जाएगा आपको फ्रिज, फ्रिज की सबसे अच्छी जगह किचन के अंदर होती है, या तो साउथ ईस्ट, जहाँ के संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर गैस रखी जाती है, या फिर आता है नॉर्थ वेस्ट। साथियों, पूरा बता दिया मैंने, आरओ सिस्टम, वॉशिंग मशीन, और फिर बता रहा हूँ यहाँ पर ब्लैक स्टोन नहीं लगाना, काले स्टोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बल्कि ब्लैक स्टोन तो इसमें कहीं भी यूज़ नहीं करना किचन में। किचन के सबसे अच्छे रंग कौन से होंगे वो किचन की अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक आप इसको समझें कि देखिए वाटर कैसे हमने जो है वास्तु के सभी एलिमेंट्स को हमने बैलेंस किया, कोई आपस में टकराया नहीं, किसी की आपस में दुश्मनी हमने एक दूसरे के साथ में बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये अगर एलिमेंट सुखी तो हम सुखी, एलिमेंट दुखी तो हम दुखी, इनको बैलेंस करना ही वास्तु में सबसे बड़ी कलाकारी होती है। ये प्राचीन विद्या है, भारत की वैदिक विज्ञान है, और आप अगर इसके हिसाब से अपने किचन बनाएंगे तो आपको सुख मिलेगा। रेमेडी पर भी मेरी वीडियो आएंगी, बनाऊंगा मैं, पहले बेसिक चल रहा है अभी, बेसिक के बाद रेमेडीज आएंगी, वो भी आपको बताऊंगा हर चीज़ की। कुछ रेमेडी मैंने डाली हुई है, आप वीडियो देखिए मेरी, नमक के बारे में बताया मैंने, और चीज़ों के बारे में बताया है, उसको करिए फॉलो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा ज़बरदस्त, जिसकी आप वेट कर रहे हैं बहुत दिन से, बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। साथियों, वैसे तो आपने देखा है कि मेरे हर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मेरा वीडियो ना हो, बहुत बारीकी से बहुत विस्तार से मैंने डाले हुए हैं, और आपको पूरा ज्ञान मिलता है। लोगों ने लाखों मकान बना चुके हैं अब तक अपने अपने मेरे वीडियो देखकर, लेकिन अगर आप बड़ा मकान बना रहे हैं और बड़ा खर्चा करना जा रहे हैं, तो आप ऐसा ना हो कि आपसे कोई गलती हो जाए, और आप चाहते हैं कि किसी एक्सपर्ट की, बहुत अच्छी एक्सपर्ट हम एडवाइस ले लें, कस्टमाइज एडवाइस ले लें, स्पेशल एडवाइस ले लें, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे प्लीज़ मेरे जो फ़ोन नंबर आप देख रहे हैं, नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, इस ये दोनों नंबर मेरे पास जो हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, इनके ऊपर आप जो है अपना रिक्वायरमेंट डालेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे, तो मेरे ऑफिस से आपके पास फ़ोन आएगा कि आप जो है कस्टमाइज सर्विस के लिए क्या चाहते हैं। ये सर्विस साथियों पेड होती है, इसकी आपको पेमेंट करनी होती है, क्योंकि इसमें आप यूज़ करते हैं मेरा समय और मेरा एक्सपीरियंस और मेरा ज्ञान। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।